हेलो एंड वेलकम, मैं हूं उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। शाहरुख ने डांस करके किया रावण का प्रमोशन, क्या काम नहीं आया उनका एक्शन। ऐश्वर्या राय पर रसल पीटर्स का कमेंट पड़ सकता है उन्हें महंगा, नेशनल कमीशन फॉर विमेन में दर्ज हुई शिकायत। क्या शाहिद के सारे फ्रेंड्स ने छोड़ दिया उनका साथ, मौसम के प्रेमियर पर नहीं आया शाहिद का एक भी फ्रेंड। पोस्टपोन हो सकती है सैफ करीना की शादी, फादर नवाब पटौड़ी की सडन डेथ के बाद सैफ ने लिया फैसला। रावण में शाहरुख खान ने भले ही सुपर हीरो बनकर खूब स्टंट किया हो, लेकिन लगता है उन्हें अपने स्टंट्स पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए अजब गजब तरीके अपना रहे हैं। प्रमोशन के लिए क्या किया किंग खान ने, आप भी देखिए। रावण के प्रमोशन के लिए शाहरुख कुछ भी कर गुजरते हैं। जी हाँ, कुछ भी। यकीन न हो तो किंग खान के ये ठुमके ही देखिए जो उन्होंने लगा लिए एक इवेंट में। किंग खान के इस डांस का ना कोई मौका था और ना ही दस्तूर। शाहरुख पहुंचे थे एक बैंक की नई स्कीम को लॉन्च करने के लिए, लेकिन वहां भी वो इस तरह डांस करके रावण को प्रमोट करने लगे। शाहरुख नहीं चाहते हैं कि उनकी ये फिल्म किसी भी कीमत पर फ्लॉप हो। आखिर ये उनकी सबसे महंगी फिल्म जो है। It is the most expensive film I've worked in as an actor, and I think yes, it is going to be. It's an expensive film. शाहरुख ने फिल्म में खूब स्टंट किए हैं, लेकिन उनको बड़ा अफसोस है कि उनके स्टंट्स सलमान की तरह हिट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स उन्हें स्टंट की बजाय रोमांटिक फिल्म्स ही दे रहे हैं। मेरे पास सब घूम फिर के मैं कितनी भी टफ पिक्चर कर लूं, फिर सब लगाते हैं। एक्शन डायरेक्टर भी आके ही बोलते हैं, सर रोमांटिक पिक्चर करते हैं, आप उसी में अच्छे लगते हैं। केवल फिल्म मेकर्स ही नहीं, लड़कियां भी शाहरुख के स्टंट्स को कोई भाव नहीं दे रही हैं। मैं दिल्ली में गया था तो सब लड़कियों ने मुझे बोला, ओह आई लव यू एस जीवन, तो मुझे लगा जो टफ लग रहा हूँ। आई लव योर ब्लू आईज, यू लुक सो स्वीट। विच सुपर हीरो किसने कभी बोला स्पाइडरमैन को तुम स्वीट लगते हो यार? तो मैं तो शर्मिंदगी से मार सकते हैं इसको, तो ओनली वेपन यू कैन किल जीवन वीज के शर्मा के, क्या कितने स्वीट हो तुम, तो मैं शर्मिंदगी से मर जाऊंगा। लगता है इन्हीं बातों से डर गए हैं किंग खान। शायद उन्हें लग रहा है कि फिल्म में उनके स्टंट्स कोई काम नहीं आएंगे, इसलिए इस सुपर हीरो को इस तरह नाच कर करना पड़ रहा है अपनी फिल्म का प्रमोशन। अगले साल सैफ करीना की शादी का इंतजार कर रहे हैं उनके फैंस को करना पड़ सकता है थोड़ा और इंतजार, क्योंकि ये शादी हो सकती है पोस्टपोन। सैफ करीना दोनों ने मिलकर लिया है ये फैसला। क्या 2012 में नहीं होगी सैफ करीना की शादी? क्या टल सकती है सैफ करीना की शादी? सोर्सेस पर यकीन किया जाए तो छोटे नवाब यानी कि सैफ अली खान ने शादी का ख्याल फिलहाल टाल दिया है। खबर है कि सैफ ने ये फैसला अपने फादर की सडन डेथ की वजह से लिया, और उनके इस फैसले में करीना भी उनके साथ हैं। दरअसल सैफ और करीना अगले साल फरवरी में शादी करने वाले थे, दोनों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। बात शादी की ड्रेस और रिंग खरीदने तक आ चुकी थी, लेकिन सैफ के पिता नवाब मंसूर अली खान पटौदी की अचानक डेथ के बाद सैफ और करीना दोनों ने फिलहाल शादी को होल्ड पर डाल दिया है। नवाब पटौदी का थर्सडे को लंग इन्फेक्शन के चलते देहांत हो गया था, जिसके बाद कल पटौदी विलेज में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस वक्त भी करीना सैफ के साथ थी। तो भला शादी को पोस्टपोन करने के फैसले में करीना सैफ का साथ क्यों ना देती? ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रेगनेंसी का मजाक बनाना हॉलीवुड एक्टर रसल पीटर्स को पड़ सकता है भारी। बच्चन फैमिली के फैंस रसल को सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद शायद रसल को ऐश्वर्या से माफी भी मांगनी पड़े।
ऐश्वर्या राय और रसल पीटर का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। खबर है कि बच्चन परिवार के फैंस का एक फोरम ऐश पर रसल के कमेंट को लेकर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में पहुंच गया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में ऐश के फैंस ने रसल के उस कमेंट को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है जो उन्होंने ऐश की प्रेगनेंसी पर किया था। खबर है कि कमीशन ने इस मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। इससे पहले भी बच्चन परिवार को चाहने वालों ने रसल की फिल्म स्पीडी सिंह का बॉयकॉट करने का फैसला किया था। खुद बच्चन परिवार भी इस बात से काफी अपसेट है। दरअसल रसल पीटर अक्षय कुमार की प्रोडक्शन में बनी फिल्म स्पीडी सिंह को इंडिया में प्रमोट करने आए थे, लेकिन वो तब खबरों में आ गए जब उन्होंने प्रेग्नेंट ऐश्वर्या के बारे में ये कमेंट दे दिया था। अभिषेक बच्चन फाइनली नॉक्ड हर अप। इससे पहले भी 2008 में जब रसल पहली बार इंडिया आए थे, तब भी ऐश के लिए रसल ने कहा था, इफ यू कैन लुक गुड यू कैन एक्ट इन अ बॉलीवुड मूवी, यू डोंट हैव टू बी एबल टू एक्ट, एंड ऐश्वर्या राय इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस, जस्ट बी हैप्पी बीइंग दिस गाइज वाइफ, कीप एंडोर्सिंग मॉडलिंग विद द बिग गाइज। पिछली बार भले ही बच्चन परिवार और उनके फैंस ने रसल की इन बातों पर कोई रिएक्शन न दिया हो, लेकिन इस बार ऐश के मदरहुड को लेकर ये कॉमेंट उन्हें भारी पड़ सकता है। हमने आपको कल ही बता दिया था कि कैटरीना कैफ ने फाइनली धूम 3 की रेस जीत ली है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैट ने ये फिल्म साइन करने से पहले आदित्य चोपड़ा के सामने कौन सी शर्त रखी थी और जिसे ना चाहते हुए भी आदित्य को मानना ही पड़ा। कैटरीना हो गई है धूम 3 की लीड एक्ट्रेस की लिस्ट में फाइनल। ये न्यूज तो हम आपको कल बता ही चुके थे, पर कैटरीना ने इस फिल्म के प्रोजेक्ट को साइन करने से पहले रखे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, और वो कुछ ये थे कि कैट्स वोंट डॉन अ बिकिनी फॉर धूम 3। और कैटरीना की इस डिमांड को आदित्य चोपड़ा ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। जी हाँ, खबरों की माने तो कैटरीना वॉज नॉट कम्फर्टेबल वेयरिंग अ बिकिनी फॉर दिस फिल्म। That seems interesting. लगता है कैटरीना अपनी ऑन स्क्रीन इमेज एक बार्बी गर्ल जैसे ही मेंटेन रखना चाहती हैं, और इसीलिए बोल्ड सीन्स करना शायद उन्हें पसंद नहीं आ रहा। पर ये तो हम सभी जानते हैं कि धूम सीरीज में एक्ट्रेसेस ने बिकिनी जरूर पहनी है, फिर चाहे वो ईशा हो या बिपाशा बासु। वेल, हम आपको बता दें कि नो बिकिनी इन द फिल्म की डिमांड ऐश्वर्या ने भी की थी जब वो धूम 2 के लिए कास्ट की गई थी, और तब भी उनकी ये बात मान ली गई थी और उनकी जगह बिपाशा बासु ने पहनी थी बिकिनी। धूम 1 में तो हमने ईशा को भी देखा है बिकिनी में, और ये बिकिनी स्टोरी फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म अब हो गई है काफी फेमस। पर लगता है आदित्य अब धूम 3 के लिए बिकिनी गर्ल की खोज में लग जाएंगे। आखिर कैटरीना ने जो मना कर दिया है, वाला अब देखना ये होगा कि आखिर कौन सी एक्ट्रेस बनती है बिकिनी गर्ल फॉर धूम 3। अब बात शाहिद कपूर की। लगता है शाहिद की लाइफ में गर्लफ्रेंड के साथ साथ कोई फ्रेंड भी नहीं बचा है। फिल्म इंडस्ट्री में शाहिद का कोई फ्रेंड नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। शाहिद कपूर को छोड़ दिया उनके सारे दोस्तों ने अकेला। अपनी ही फिल्म के प्रीमियर पर तन्हा तन्हा हो गए शाहिद। मौसम के प्रीमियर पर उनका कोई दोस्त नहीं पहुंचा, जिसने शाहिद को कर दिया काफी अपसेट। दरअसल मौसम के प्रीमियर पर शाहिद ने पूरे बॉलीवुड को बुलाया था, लेकिन स्पेशल इनविटेशन दिया था इंडस्ट्री के यंग स्टार्स को, जिन्हें वो अपने अच्छे फ्रेंड्स मानते थे। शाहिद की इस वीआईपी गेस्ट लिस्ट में कौन कौन था आप भी देखिए। प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर और इमरान खान। शाहिद ने अपने इन 6 दोस्तों को खास तौर पर फिल्म देखने के लिए बुलाया था, लेकिन उनका दिल उस वक्त टूट गया जब इनमें से किसी ने भी शाहिद के लिए वक्त नहीं निकाला। प्रीमियर पर यूं तो कई बड़े सितारे पहुंचे थे, लेकिन इनमें से कोई भी शाहिद का बेस्ट बड़ी नहीं था। खुद देखिए, इमरान की पार्टी में शाहिद उनके एक बार बुलाने पर पहुंचे थे, साथ ही उन्होंने अनुष्का को पूरा टाइम कंपनी दी थी। शाहिद प्रियंका चोपड़ा की हर फिल्म की स्क्रीनिंग में उनके साथ जाते थे। शाहिद ने हर दोस्त से दोस्ती पूरी तरह से निभाई, लेकिन जब बारी उनसे फ्रेंडशिप निभाने की आई तो उनके सारे फ्रेंड गायब हो गए। प्रमोशन में साथ दिखने वाली सोनम पार्टी में होकर भी पुनीत मल्होत्रा के साथ बिजी थी। बेचारे शाहिद केवल अपनी मम्मी डैडी के साथ लोगों को वेलकम करते रहे। हम तुम शबाना में तुषार और श्रेयस बेस्ट फ्रेंड की तरह दिखते हैं, लेकिन फिल्म के बाहर एक दूसरे से बात भी नहीं करते। यहाँ तक कि फिल्म की स्पेशल प्रमोशन में भी ये दोनों दूर दूर नजर आए। क्या है इस दूरी का रीजन? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अब
अपनी फिल्म्स में श्रेयस और तुषार भले ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल और फ्रेंडली दिखाई देते हैं, मगर रियल लाइफ में सच कुछ और ही है। जूम को पता चला है कि ये दोनों एक्टर्स एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करते हैं। सेट पर भी श्रेयस और तुषार के बीच बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। दोनों के इस नेचर की वजह से शूटिंग के वक्त भी काफी मुश्किल होती थी। इसका खुलासा तब हुआ जब ये अपनी फिल्म हम तुम शबाना को प्रमोट करने के लिए एक ट्रेन की जर्नी कर रहे थे। तुषार और मनीषा बैठे थे एसी कोच में और वहीं श्रेयस और पिया बैठे थे स्लीपर क्लास में। जब हमने इस बारे में जानने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि ये दोनों अपने सेट पर भी एक दूसरे से बात नहीं करते। चलिए अब तो फिल्म बनकर भी तैयार हो गई है तो गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। बात करते हैं इस फिल्म के अनोखे प्रमोशन की। फिल्म हम तुम शबाना ने अपने फिल्म प्रमोशन के लिए अपनाया एक नया रास्ता। उन्होंने अपनी फिल्म की म्यूजिक सीरीज एक रेलवे स्टेशन पर डिस्ट्रीब्यूट की। ये सफर कुछ इस तरह का था। हम तुम शबाना की निकाली गई एक अलग 5 कोच की ट्रेन। ट्रेन में स्टार कास्ट के साथ पूरी मीडिया भी थी। ये ट्रेन मुंबई के मुंबई सेंट्रल से निकली और इसका डेस्टिनेशन था सूरत। इसके बीच वापी स्टेशन पर उतरकर इन्होंने केक कटिंग भी की और अपने फैंस के बीच सीडीज बांटी। सो लेट्स सी इन स्टार्स की ट्रेन जर्नी कैसी रही। सच में यही ट्रेन का मजा है। ये ऐसे बंकर बैठने में यही ट्रेन का मजा है। हम लोग ट्रेन से मतलब अभी नॉर्मली जा नहीं सकते इसीलिए, बट अगर ऐसा मौका मिल जाए तो कौन छोड़ना चाहेगा। यहाँ दरवाजे के पास खड़े हो जाओ, नीचे बैठ जाओ। बहुत अच्छा रहा है क्योंकि ये बहुत ही एक इनोवेटिव वे है फिल्म को प्रमोट करने का। हमारे मतलब महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों को देखने का मौका मिल रहा है जो हम पहले कभी देखते नहीं थे, जैसे वापी यानी नो गुजरात की जगह और महाराष्ट्र के अलग अलग मतलब प्रांतों को देखने का, उनसे गुजरने का मौका मिल रहा है। नो डाउट आपने अपनी फिल्म को प्रमोट करने का एक अनोखा रास्ता निकाला है। वी होप ये सब मेहनत आपकी फिल्म को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सके। गजल सिंगर जगजीत सिंह की हालत काफी क्रिटिकल है। वो मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट है और हम आपको ये बता दें कि जगजीत सिंह को कल ब्रेन हैमरेज हुआ था। गजल सम्राट जगजीत सिंह की हालत काफी क्रिटिकल है। वो मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं। जगजीत सिंह को कल अचानक ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद दोपहर के करीब 3 बजे उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट किया गया था। ऑपरेशन के बाद फिलहाल उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम और वेंटिलेटर पर रखा गया है। द 70-year-old सिंगर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर फॉर सम टाइम नाउ। लेकिन कल रात शुक्रवार को उन्हें अचानक तेज हेडेक हुआ, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है। जगजीत सिंह को फ्राइडे शाम परफॉर्म करना था विद पाकिस्तानी गजल माइस्ट्रो गुलाम अली एट अ फंक्शन इन मुंबई, लेकिन लास्ट मिनट में हरिहरन ने जगजीत सिंह की जगह ली। डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 48 घंटे उनके लिए काफी क्रिटिकल हैं एंड ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जूम टीवी विशेस हिम अ स्पीडी रिकवरी। शाहरुख खान एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वो इस प्रोजेक्ट को मीडिया से भी बचा कर रखना चाहते हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं उनके इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में। टेक अ लुक। But I'm really trying, yaar. I'm really trying to quit smoking. But I'm really trying, yaar. I'm really trying to quit smoking. जी हाँ, सही सुना आपने। शाहरुख सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो काफी मेहनत भी कर रहे हैं। But I'm really trying, yaar. I'm really trying to quit smoking. हालांकि शाहरुख ने ये सीक्रेट अभी किसी को नहीं बताया था। वो चाहते थे कि अपनी ये बैड हैबिट छोड़ने के बाद ही ये न्यूज मीडिया में आए। तो भी रिलीज कहाँ हुई? होने तो दे। मिलने के उसके बाद मिलना मुझको, फिर पूछना मुझसे। शाहरुख चेन स्मोकिंग करते हैं, लेकिन अब वो अपनी इस आदत को छोड़ना चाहते हैं। लगता है अब वो रियल लाइफ में भी सुपर हीरो बनना चाहते हैं, क्योंकि सुपर हीरो कभी सिगरेट नहीं पीता है। और अब देखिए कैसा रहा एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल वीक 2011 का डे वन। आपके लिए ले आया है एम्बी वैली इंडियन ब्राइडल वीक के एवरी फर्स्ट डे के अपडेट्स। इंडियन ब्राइडल वीक के रैंप पर यूं तो काफी कम स्टार्स ने वॉक किया, पर अपने अपने फेवरेट डिजाइनर्स को सपोर्ट करना नहीं भूले हैं सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज। शुरुआत करते हैं नीम नितिन मुकेश से, जो आए विक्रम फर्नीस के वर्क को सपोर्ट करने के लिए। वेल, नितिन का क्या कहना है अपने डिजाइनर के वर्क को लेकर, ये आप ही सुनिए। इट्स माय सेकंड सीजन एट दिस ब्राइडल वीक। What I'm showcasing tonight is a storyboard of two moods, and I have no menswear. I wanted it to be special that in the entire fashion week, everyone, all the showstoppers are girls. Wanted it to be different, special. My relationship with Neil Nitin Mukesh goes beyond clothes.
He's a younger brother to me. I mean, if you're coming shopping, then there's no doubt about it that you have to get into Vikram Furnishings. Well, Nitin apne is bride avatar mein lag rahe the kaafi handsome. चलिए बढ़ते हैं मलिका शेरावत की ओर, जिसने पहना काफी खूबसूरत सा एक लाइट पीच लहंगा. वेल, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मलिका ने मीडिया में एंट्री मारी है और पहना ये ब्यूटीफुल सा इंडियन डिजाइन लहंगा फॉर डिजाइनर्स अंजलि एंड अर्जुन. चलिए सुनते हैं मलिका का क्या कहना है इस कलेक्शन पर. आजकल ब्राइड्स वांट टू एक्सपेरिमेंट विद कलर्स. दे डोंट वांट टू गो विद अ टिपिकल रेड या फुशिया. दे फील दे रादर एक्सपेरिमेंट विद कलर्स एंड गो विद लाइक अ स्टेटमेंट पीस. इस इवेंट पर सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया अमीषा पटेल ने. उनके इस लुक ने हमें याद दिला दिया गदर की अमीषा को. वेल, अमीषा लग रही थी काफी खूबसूरत रॉकी एस के डिजाइन इस ब्यूटीफुल से डार्क ग्रीन लहंगे में विद अ मरून दुपट्टा. वेल, इट फील्स लाइक आई एम एक्चुअली शूटिंग फॉर माय फिल्म गदर, द क्लोथ्स व्हिच रॉकी हैड डन. बट या, ही कैन मेक एनी गर्ल लुक ब्यूटीफुल डिम्योर. And I think he's got the perfect blend of making it modern, sexy, as well as keeping that Indian touch, which is so beautiful for an Indian bride. तो ये थी Ambi Valley Indian Bridal Week Day 1 की latest update. इस bridal event की हर एक update हम आपके लिए लाते रहेंगे. Till then, you guys keep watching Planet Bollywood News only on Zoom because it's India's number one Bollywood channel. अभय देओल अब अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति के साथ रोमांस करते देखेंगे, उनके लिए सॉन्ग्स गाते देखेंगे, उनके लिए विलन से फाइट भी करेंगे. लेकिन कब, क्यों और कहां, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में. अभय और प्रीति देसाई की ऑफ स्क्रीन जोड़ी काफी खूब चल रही है, पर लगता है कि अब ये दोनों बहुत जल्द ऑन स्क्रीन एज अ कपल भी दिखेंगे. जी हाँ, खबरों की माने तो अभय गर्लफ्रेंड प्रीति विल बी कास्ट ऑपोजिट हिम फॉर द फिल्म शादी ऑफ द डेड. वेल, अभी हाल ही में दोनों ने साथ में फोटोशूट भी किया था. और अब फिल्म की न्यूज. वेल, लगता है ये जोड़ी अब अपने इस रिश्ते को पब्लिक के सामने लाने से कतरा नहीं रही है, तभी तो अब साथ में फिल्म भी करेंगे. दरअसल बात ये है कि फिल्म के डायरेक्टर नवदीप सिंह अभय देओल के काफी अच्छे दोस्त हैं, और इसीलिए अभय रिक्वेस्टेड हिम टू गेट हिज व्यू फॉर द फिल्म. पर फिल्म के प्रोड्यूसर्स इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि इन दोनों को साथ में पेयर किया गया है. इनफैक्ट अभय के ऑपोजिट जनील या डिसूजा कास्ट की गई है, बट सोर्सेज के अकॉर्डिंग इन दोनों के साथ में कई सीन्स हैं. वेल वेल वेल, जो भी हो, आप दोनों की इस न्यूज आप दोनों के रिश्ते को फिर से लाइमलाइट में ला दिया है. अब कितना भी छुपाइए, आपका ये रिश्ता छुप नहीं पा रहा है. Alright, so with that, it's a wrap. See you tomorrow at 7 PM for your daily dose of B-Town's hottest news, gossips and scoops only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.